जब नेचुरल एक्टिंग की बात हो रही हो और मोतीलाल साहब का नाम न लिया जाए, ऐसा कभी होगा नहीं। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। और आपने कभी मोतीलाल साहब का नाम सुना नहीं होगा, ये बात तो मुमकिन है ही नहीं। एक्टिंग के दुनिया में मोतीलाल ये वो नाम है जिनकी मूर्ति के आगे आज के कलाकारों की नजर झुकती है। सपना था नेवी में भर्ती होने का, पर किस्मत ने उनसे एक्टिंग करवाई। पृथ्वीराज कपूर जैसे कलाकार तो थिएटर आर्टिस्ट थे, एक्टिंग की परिभाषा सीख के आए थे, पर मोतीलाल साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं था। एक्टिंग इस तरह करते थे जिसे देख अच्छे अच्छे अचंभित हो जाए। 4 दिसंबर 1910 को मोतीलाल राजवंश का जन्म एक पढ़े लिखे परिवार में हुआ। उनके पिताजी एक समाज सुधारक थे, पर मोतीलाल जब 1 साल के थे तब पिताजी का देहांत हुआ, इसके चलते उनकी परवरिश अंकल के घर हुई। दिल्ली में कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने सोचा कि वो अब नेवी में भर्ती हो जाएंगे। वो मुंबई भी आए, पर ठीक प्रवेश परीक्षा के वक्त मोतीलाल बीमार पड़ गए और नेवी का सपना टूट गया। एक दिन मोतीलाल ने सोचा, मुंबई आया ही हूँ तो क्यों ना किसी फिल्म की शूटिंग देख लूँ। शानदार कपड़े पहनकर मोतीलाल साहब चल पड़े सागर स्टूडियो की तरफ। मस्त कलंदर अंदाज, सर पर वो फेल्ट ब्लैक हैट, फ्लावर प्रिंटेड शर्ट, ब्लैक पैंट, चमकते हुए जूते और खूबसूरत सी वो मुस्कान। इस अंदाज में जब स्टूडियो के लोगों ने मोतीलाल को सेट पर आते हुए देखा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। डायरेक्टर काली प्रसाद घोष अपनी कुर्सी से उठ गए और बोलने लगे, बस इस इंसान की मुझे जरूरत है, ये बनेगा मेरे फिल्म का हीरो। और इस तरह मोतीलाल को 1934 में शहर का जादू फिल्म में बतौर हीरो का काम मिल गया। इस फिल्म में वो न सिर्फ लीड एक्टर थे बल्कि सिंगर भी थे, उन्हें सिंगिंग की अच्छी जानकारी भी थी। जिस तरह मोतीलाल साहब ने करियर की शुरुआत की, उसे वो सरलता से अंत तक निभाते रहे। वो एक जमाने में अमीर भी थे और बाद में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतरने के बाद गरीब भी हो गए। शिकार करना, हंसते हुए लोगों से बात करना, घूमना, क्रिकेट, पेंटिंग और रेसिंग में पैसे लगाने का भी शौक पाला था मोतीलाल साहब ने। वो बात अलग है कि उन्हें गरीबी का सामना बस इसलिए करना पड़ा क्योंकि रेसिंग और फिल्म प्रोडक्शन में उनकी रिकवरी नहीं हुई, पर मोतीलाल हमेशा खुश रहते। 1934 की शहर का जादू फिल्म करने के बाद डॉक्टर मधुलिका, कुलवधु, जिगरदार, हम तुम और वो, तकदीर, अरमान, कलियां, देवदास, मिस्टर संपत, परख, पैगाम, जागते रहो, इन सब महान फिल्मों में नजर आए। 1955 की फिल्म देवदास में चुन्नी बाबू के किरदार ने उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी दिलाया। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। 1940 की अछूत फिल्म को आज भी एक आदर्श फिल्म में देखा जाता है। 1959 में अनाड़ी और 1964 की फिल्म लीडर में उनका चरित्र अभिनय लाजवाब रहा। चरित्र किरदार, मुख्य किरदार, सिंगर और एक कॉमेडियन के रूप में वो पहले से ही अजरामर बने थे, पर 1965 में उनकी छोटी छोटी बातें फिल्म आई जिसके प्रोड्यूसर, राइटर, नायक और डायरेक्टर वो खुद ही थे। पर फिल्म को बनाते बनाते वो न सिर्फ दिवालिया हुए बल्कि इस दुनिया को भी अलविदा कह गए। इस फिल्म को उनके चचेरे भाई और जिगरी दोस्त मुकेश साहब ने शीर्ष तक पहुंचाया और ये फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला। पर ये गर्व भरा सम्मान देखने के लिए मोतीलाल जिंदा नहीं थे। 17 जून 1965 को मुंबई में उनका देहांत हुआ। मुकेश के अलावा जिन लोगों को मोतीलाल जी ने अपना माना, जिनके लिए अपने बंगलों में हमेशा पार्टी होती थी, वो लोग आखिरी समय के लिए भी मोतीलाल के नजदीक नहीं आए। एक जमाने में मोतीलाल नादेरा जी से मोहब्बत करते थे, बस नादेरा ने उनके चिता को अग्नि दी।